और चलिए अब बात कर लेते हैं महंगाई की। सब्जियों के दामों में लगातार उछाल हो रहा है। अब टमाटर से मिर्ची आगे निकल गई है, वो इसलिए क्योंकि 200 किलो महंगी मिल रही है। 140 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। अधिकतर सब्जियों के रेट 60 किलो से ज्यादा है। गिलकी की बात करें 80 रुपए किलो मिल रही है, लौकी 60 रुपए किलो मिल रही है, भिंडी 50 रुपए किलो मिल रही है। ऐसे में 50 से 60 किलो से ज्यादा के रेट बताए जा रहे हैं। सब्जी मंडी में जब लोग पहुंच रहे हैं तो उन्हें महंगी सब्जी मिल रही है, जिससे कि वो परेशान है। तो इसका कारण भी है, कारण ये है कि बारिश हो रही है और बारिश के चलते सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ सूरज शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, जो फिलहाल मार्केट में मौजूद हैं। सूरज कहाँ पर मौजूद हैं आप? सब्जी मंडियों में लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आम आदमी की जेब पर इससे असर हो रहा है। देखिए बिल्कुल प्रगति, लगातार सब्जी जो है वो लगातार उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं, और खासतौर से उसके पीछे बताई जा रही है कि बारिश। लेकिन कितनी सब्जियों के रेट बढ़े हैं हम दिखाएंगे आपको। ये टमाटर जो आपको नजर आ रहा है, ये पहले सबसे महंगा था, यानी 100 से 140 रुपए किलो तक बिक रहा था। अब लेकिन कहीं ना कहीं टमाटर को पीछे छोड़कर मिर्ची आगे बढ़ गई है। ये जो हरी मिर्ची आपको नजर आ रही है, ये लगातार बढ़त बनाए हुए है और करीब दो सेंचुरी, डबल सेंचुरी मार चुकी है। 200 रुपए किलो इस समय ये मिर्ची बिक रही है। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भाई टमाटर लेने आ रहे हो, कितने रुपए किलो मिल रहा है? कल 120 रुपए किलो था, कल मैं आया था जब मैं आधा किलो लेके गया था 60 रुपए के, तो मतलब 120 रुपए किलो बता रहे, 140 का हो गया। तो ये तो रोज बढ़ रहा है, 10-20 रुपए रोज बढ़ रहा है। और मिर्ची? मिर्ची का मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मिर्ची सुनने में आया कि मिर्ची भी बढ़ चुकी है। ये दुकानदार भी, उनसे भी बात करेंगे। लगातार पहले टमाटर आगे था, लेकिन अब मिर्ची 200 के पार हो गई है। 150 रुपए किलो आ रही थी पहला, अब 200 हो गई है। कल से 150 रुपए आई थी मार्केट से। तो बाकी सब्जियों की बात करें, चाहे बैगन हो, भिंडी हो या पत्ता गोभी हो, इनके रेट क्या चल रहे हैं? पहले ये भी 40-50 रुपए किलो थे, लेकिन अब पहले 30 रुपए चलते थे, अब गोभी 50 रुपए चलती थी, भिंडी 40 चल रही है, लौकी 60 रुपए चल रही है। लगातार सब्जियों के दाम जो बढ़ते जा रहे हैं, शायद यही वजह है कि ये जो आपको कंटेनर नजर आ रहे हैं, ये पहले लबाला भरे हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये खाली नजर आ रहे हैं। देखिए सब्जी का कंटेनर जो है वो खाली इसलिए है क्योंकि सब्जियां बहुत महंगी हैं, कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी कम खरीद रहे हैं। देखिए मिर्ची इतनी है, ये भी आधी आधी नजर आ रही है। बाकी सब्जियों की बात करें तो ये भी काफी कम है। गिलकी 60 रुपए से ज्यादा, 60 रुपए किलो से ज्यादा की बिक रही है। वैसा ही अदरक की स्थिति है, बैगन की स्थिति है, धनिया की स्थिति है, और सबसे ज्यादा यदि कोई रुला रहा है तो टमाटर के बाद वो है मिर्ची। यानी मिर्ची अब बहुत तीखी होती जा रही है और करीब 200 रुपए किलो मिर्ची है। तो कहीं ना कहीं अब महंगाई की मार आम जनता पर पड़ती नजर आ रही है। देखने ये हुआ कि आने वाले समय में सब्जी और महंगी होगी या मौसम खुलता नजर आएगा तो कहीं ना कहीं नियंत्रण पा सकेंगे। बिल्कुल, फिलहाल मौसम की वजह से, बारिश के चलते सब्जियों के दाम महंगे हो रहे हैं, और कुल मिलाकर अगर महंगाई की रेस की बात करें तो मिर्ची ने अब टमाटर को पीछे छोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, तमाम जानकारी के लिए।